ऑल। सो आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। सभी एकदम मस्त है, राइट? यस। सो हेलो, आई एम मोनिका मैम, योर मैथ्स मेंटर, और मैं आ गई हूँ वापस से एक अमेजिंग से वन शॉट के साथ विथ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बेटा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बट क्यों? क्योंकि ये चैप्टर सेम टू सेम आपको 10th स्टैंडर्ड में भी है। यस, इसी चैप्टर का अपडेटेड वर्जन, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन 10th स्टैंडर्ड में भी है। इसीलिए इस क्लास में दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू हैव टू लर्न वेरी वेल। ओके, बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, बहुत स्ट्रॉन्गली प्रिपेयर करना है, सो दैट आगे काम में आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ अमेजिंग चैप्टर। सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर? हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशंस होते क्या है, इन टू वेरिएबल्स क्यों बोला गया है, देन सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। अब ये लीनियर इक्वेशन में ही साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाए, एंड देन इसका हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में ही आते हैं बेटा आपके वर्ड प्रॉब्लम्स, जिन पे आपके 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रहता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ही इजी सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, अगदी सोप्या पद्धतीत बघूया। ओके, तर तयार आहेत सगळे? करूया शुरुआत? नक्की? चला मग वळूया पुढे। सो स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम इक्वेशन पे आने से पहले बात करते हैं एक्सप्रेशन की। तो आप सभी को पता है एक्सप्रेशन क्या होते हैं? डू यू नो? यस मैम। सो एक्सप्रेशन इज समथिंग, ठीक है, एक्सप्रेशन इज समथिंग विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, है ना? जब मैं किसी वेरिएबल को और कांस्टेंट को साथ में लिख लूंगी, एक 3x प्लस 5y, उसके बाद और 2x प्लस 5z स्क्वायर, ये सारी चीजें जब मैं लिख रही हूँ, है ना, प्लस 3 लेट्स से, तो यहाँ पे क्या है बेटा, वेरिएबल भी है और उन्हीं के साथ कांस्टेंट्स भी है, नंबर्स भी है। सो व्हेनेवर वी हैव वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स टूगेदर, सो दिस इज योर एक्सप्रेशन। ये क्या हो जाता है बेटा? एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? तो टॉकिंग अबाउट इक्वेट, राइट? इसी में एक वर्ड आ रहा है, इक्वेट, दैट मीन्स इक्वल टू, है ना, इक्वेट करना, दोनों को सेम करना। तो जब भी आपके एक्सप्रेशन में, इक्वल टू का साइन आ जाए, जिसके वजह से इसकी दो साइड बन जाए, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो ये बन जाता है हमारा इक्वेशन। करेक्ट, हमने ऑलरेडी पढ़े ये पॉलिनोमियल्स में, लाइक दिस, ये है आपका 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 10z लेट से, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, इक्वल्स टू का साइन आ गया, मतलब ये भी क्या बन गया, इक्वेशन। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें हम इक्वल टू का साइन ऐड कर देंगे, इक्वल टू का साइन मर्ज अप कर देंगे, वो बन जाते हैं हमारे इक्वेशन, राइट? अब इक्वेशन में भी काफी सारे टाइप्स हैं, है ना, इक्वेशन में भी काफी सारे टाइप्स हैं।
जिसमें से हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, ये लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं वो देखते हैं, ठीक है? लीनियर इक्वेशन, तो अब इक्वेशन तो हमने देख लिए, राइट? इक्वेशन तो हमने देख लिए, अब इन इक्वेशंस को ध्यान से देखो और मुझे बताओ ये जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के ऊपर पावर कितना है। एक और एक लिख लेती हूँ मैं, 3x² + y³ = z, ठीक है? ऐसा कुछ लिख रही हूँ मैं। देन एक ले लेते हैं हम x³ + x = 5, ओके? तो यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है बेटा? 1 है। यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पावर 2, पावर 3, पावर 1, पावर 3, पावर 1, राइट? तो हम जब भी इक्वेशन लिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हैं और उन इक्वेशन में वेरिएबल की पावर्स भी अलग अलग है। तो एक ऐसा इक्वेशन, क्या एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये एक हो गया, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है? एक और लिख लेते हैं हम 2x = 3, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो ये सब क्या हो गया बेटा? हमारे लीनियर इक्वेशन। ये सब क्या हो गया? हमारे लीनियर इक्वेशन। अब आते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो नाम ही हमें बता रहा है कि एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल प्रेजेंट रहेंगे, दो वेरिएबल यानी दो अलग अलग वेरिएबल, ओके? जैसे यहाँ पे एक्स और एक्स है, लेकिन ये एक्स बोले तो एक सिंगल अल्फाबेट यूज हुआ है ना, एक्स क्या है बेटा? एक सिंगल अल्फाबेट, मतलब सिंगल वेरिएबल। तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली, है ना? एक वेरिएबल यूज हुआ है, इसीलिए वन वेरिएबल ओनली। यहाँ पे कितने वेरिएबल है? एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, मतलब टोटल 3 वेरिएबल्स है, राइट? तो ये क्या हो गया हमारा? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। यहाँ एक एक्स ही है, सिंगल अल्फाबेट यूज हुआ है, मतलब अगेन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या हो जाएगा फिर? 3x + 5y = 10, दो वेरिएबल, राइट? x और y दो डिफरेंट वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर 1, तो इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, हो गया बेटा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेट्स से x = -2y, दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। x = 3, दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन, नहीं ये 1 वेरिएबल होगा, है ना? x = 3 क्या होगा? 1 वेरिएबल होगा। बट यहाँ अगर मैं करूँ तो 3 + z, नाउ दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ओके? तो ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो, सिर्फ और सिर्फ दो डिफरेंट वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, है ना? तो डिफरेंट वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ओके? नाउ टॉकिंग अबाउट द जनरल फॉर्म, आता है जनरल फॉर्म काय असते बरो?
आपण लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल लाइक जनरलाइज फॉर्मैट दिलेला आहे, ठीक है। तो फॉर्मैट काही असा आहे, एक लिनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो है बेटा वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ऐसा भी आपको देखने मिलेगा, ठीक है। मेजरली ये यूज होता है एंड ये समटाइम्स देखने मिल सकता है, ठीक है। तो मेजर जो जनरल फॉर्म हमारा है एक्चुअल में, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, समटाइम्स कॉन्स्टेंट राइट हैंड साइड में भी रह सकता है। तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ओके। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल प्रेजेंट है एक्स और वाई, और उनकी पावर भी वन है। नाउ यू माइट बी वंडरिंग, मैम एक्स और वाई कैसे दो वेरिएबल है, ए बी सी ये भी तो वेरिएबल्स है हमारे पास, राइट? तो नो बेटा, जनरल फॉर्म में ये जो ए बी सी है ना, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ये क्या होते हैं बेटा, हमारे रियल नंबर्स होते हैं। मतलब ए बी सी इनको हमने कॉन्स्टेंट्स लिए हैं, नंबर्स लिए हैं, और एक्स और वाई हमारे वेरिएबल्स है, ठीक है। एक्स और वाई हमारे क्या है, वेरिएबल्स है। तो ये होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ओके। देन क्लियर, यस। तो इफ आई टेक ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ए या बी को मैं अगर जीरो ले लूं तो क्या होगा, ए और बी को अगर मैं जीरो ले लूं तो क्या होगा, एक्स और वाई की टर्म ही हट जाएगी, है ना, एक्स और वाई की टर्म ही हट जाएगी। मतलब ए और बी को हम जीरो नहीं ले सकते, ठीक है, ए और बी को हम जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये जीरो हुए तो एक्स और वाई की टर्म ही हमारे पास नहीं रहेगी। तो ये याद रखना बेटा कि ए बी सी जो है रियल नंबर्स है और उनकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ओके। सी कैन बी जीरो, कॉन्स्टेंट जीरो हो सकता है, डजंट मैटर, कॉन्स्टेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, ओके। बड़े आगे नाउ नेक्स्ट लेट्स जस्ट ट्राई मेकिंग लीनियर इक्वेशन। क्या बोला गया है, By using variables x and y, form any five linear equations in two variables. X और y इन variables की help से मैं कोई भी random पांच equation बनाने हैं। कोई भी बनाते हैं, चलो पहला ले लेते हैं हम x equals to y, दूसरा हम ले लेते हैं x minus y equals to 3, तीसरा हम ले लेते हैं 2x plus 5y इक्वल्स टू सेवन, चौथा हम ले लेंगे एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, एंड फिफ्थ इज एनीथिंग अगेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो गए बेटा हमारे, ये क्या हो गए हमारे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यूजिंग एक्स एंड वाई। तो आप कोई भी एनी वट एवर नंबर यू वॉन्ट टू चूज, कोई भी लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें दो वेरिएबल होने चाहिए, दोनों वेरिएबल की पावर वन होनी चाहिए, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, ओके। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म करना। राइट फाइव सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब सॉल्यूशन कैसे लिखे, तो हमें पता है कि जब हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़े थे, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़े थे, तो इसको सॉल्व करना सिंपल था। क्या करते थे हम, इसको इधर शिफ्ट कर देते थे, तो 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 हो गया, 2x इक्वल्स टू 2 हो गया, x इज इक्वल्स टू 2 बाई 2 हो गया, और x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, राइट। सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूशन मतलब क्या, वेरिएबल की वैल्यू, यानी x इक्वल्स टू 1, ये हमारा एक अकेला यूनिक सॉल्यूशन आता था,
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो आंसर आता था वो क्या आता था बेटा, यूनिक सिंगल सॉल्यूशन, राइट, एक्स की एक ही वैल्यू आएगी, राइट, यस। नाउ इसकी अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है, मतलब हमें एक्स और वाई की जगह ऐसे नंबर्स पुट करने हैं जिनको ऐड करने पे 7 आ जाए। बता दो कौन से हो सकते हैं, 0 7 हो सकता है, यस 1 6 हो सकता है, देन 2 5 हो सकता है, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है बेटा, 3 4 हो सकता है, उसके बाद 4 3 भी हो सकता है, राइट, 4 3 भी हो सकता है, देन नेक्स्ट इज 5 2, उसके बाद 6 1, 7 0, बस इतने ही होंगे क्या, बस इतने ही होंगे क्या? ऐसा थोड़ी बोला गया है कि x और y सिर्फ नेचुरल नंबर्स है, और y तो कुछ भी हो सकते हैं, हाँ, x और y की वैल्यू कोई भी इंटीजर आ सकती है, रियल नंबर आ सकती है, रूट वाली टर्म आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, करेक्ट। तो ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू -2, तब भी तो 7 आएगा। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू -2, तब भी 7 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 10 ले लूं और y की वैल्यू -3 ले लूं, तब भी 7 आएगा। x की वैल्यू अगर मैं ले लूं लेट्स से 17 और y की वैल्यू ले लूं -7, तब भी 7 आएगा, सॉरी -10। x की वैल्यू हम ले लेंगे, y की वैल्यू ले लेंगे -10, तब भी 7 आएगा, करेक्ट। तो अब मुझे यहां से ये तो पता चल रहा है कि अगर मैं ऐसे नंबर्स देखते जाऊंगी तो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, है ना, x और y की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होगी जिनको ऐड करने पे आंसर 7 आ जाए, करेक्ट। मतलब एक लीनियर इक्वेशन अगर है हमारे पास, ओके, इफ देयर इज वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला अगर एक सिंगल इक्वेशन है, तो उस सिंगल इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो यहां से एक नोट आ जाएगी हमारी इंपॉर्टेंट कि वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन होगा टू वेरिएबल्स वाला, ओके, लीनियर इक्वेशन होगा टू वेरिएबल्स वाला और एक इक्वेशन दिया गया है, तो उस एक इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं, ओके, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। आता हा काय त्रास, हा काय नवीन माम, साइमल्टेनियस इक्वेशन। आतापर्यंत लिनियर इक्वेशन बरं चाललं होतं ना, का नवीन काहीतरी नवीनच आणलंय मधात असं काही? तर साइमल्टेनियस इक्वेशन कच नाही आहे बेटा। कैसे है, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स वाला। अब मैं एक और ले लेती हूँ, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, राइट, ये मेरा दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया। तो ये दोनों मिला के टुगेदर बनेंगे हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन, बस इतना ही था,
इतना ही था। इट मीन्स कि जब भी आप एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन लेते हो, मोर देन वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टुगेदर, है ना, जब हम एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस को साथ में लेते हैं या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखते हैं, तो उनको बोला जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, तो क्या जाएगा बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही रहेंगे तो हम साइमल्टेनियस बोलेंगे, तीन रहते हैं, चार रहते हैं, कितने भी रह सकते हैं, बट आपको जो पढ़ना है, इवन 10th में भी जो पढ़ना है वो सिर्फ दो के लिए पढ़ना है बेटा। इसीलिए हमने यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशंस को जब हम साथ में कंसीडर करते हैं, या दो लीनियर इक्वेशंस को हम जब साथ में कंसीडर करते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये दो इक्वेशंस मुझे साथ में दिए गए हैं, और अगर ये दो इक्वेशन साथ में दिए गए हैं तो इनको कंबाइनली हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस तो देख लिए, सॉल्व कैसे कर, इनका सॉल्यूशन मतलब क्या। जब हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व किया अभी, तो सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू, है ना, एक्स और वाई की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हम वहां पे तो इनफाइनाइट आ गई, और एक इक्वेशन के लिए हमने फाइंड आउट भी कर। अब अगर हमारे पास दो इक्वेशन है या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो उनका सॉल्यूशन मतलब क्या एग्जैक्टली, एक इक्वेशन की अलग वैल्यू और दूसरे इक्वेशन की अलग वैल्यू, ऐसा क्या। साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, क्या दो लीनियर इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और एक है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। एक है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और एक है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो सॉल्यूशन मतलब x और y की ऐसी वैल्यू, ठीक है, x और y की ऐसी वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के लिए लेती हूँ लेट्स से, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 5, उसके बाद 1 4, उसके बाद 2 3, फिर 3 2, करेक्ट, देन 4 1 और 5 0। ऐसे करते करते अब निगेटिव वाले भी आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे आएंगे। दूसरा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 के लिए अगर लेना है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 के लिए लेना है तो 3 0, राइट, 3 0, उसके बाद 4 माइनस 1, उसके बाद 5 माइनस 2, उसके बाद 6 माइनस 3, राइट, ये ले सकते हैं हम, ये ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यूज है जो कॉमन दिख रही है, जो सेम है। ठीक है, यहाँ पे पहले केस में क्या है, 3 कॉमा 0, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0। दूसरे में है 4 कॉमा 1, 5 कॉमा 2 और 6 कॉमा 3 एंड सो ऑन। इधर पे है 0 कॉमा 5,
1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5, 0 एंड सो ऑन, राइट। तो कुछ ऐसा दिख रहा है क्या बेटा जो दोनों में प्रेजेंट है? कुछ ऐसा दिख रहा है क्या जो दोनों में प्रेजेंट है? यस मैम। तो वी हैव 4, 1, हियर ऑल्सो वी हैव 4, 1, ऑल्सो वी हैव 4, 1। तो 4, 1 इज दी ओनली वैल्यू, एकलौती ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, राइट। 4, 1 इसको सेटिस्फाई कर रही है, 4, 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। मतलब इन दोनों का कंबाइन सॉल्यूशन क्या है बेटा? 4, 1। इन दोनों का आंसर सॉल्यूशन क्या आ गया? x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 1। ये हो गया इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन। मतलब यहां से हमें क्या पता चला कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। मतलब अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो उनका एक लौता सॉल्यूशन हो सकता है, बट अगर सिंगल इक्वेशन लेते हैं तो फॉर श्योर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही। बट मैम ये तो इजी था और इनको सॉल्व करने के लिए इतना टाइम लग जाएगा, हमें चेक करना पड़ेगा एक 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 वैल्यू निकाल के, यहाँ पे भी एक 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 वैल्यू निकाल के, फिर कौन सी सेम है ये देखना पड़ेगा। कैसे कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे ये तो बहुत लेंदी है। तो बेटा जी हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसे नहीं निकालना है, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन डायरेक्टली आ जाए हमारे पास बिना ऐसे अज्यूम किए, बिना ऐसे चेक किए, उसके लिए हमारे पास मेथड्स है बेटा, के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है, ठीक है, जिसमें से हम 9th स्टैंडर्ड में 2 मेथड्स पढ़ेंगे। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड्स है, मेथड्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स है 9th स्टैंडर्ड में। नंबर 1, फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। एली मेथड कौन सी है? एलिमिनेशन मेथड। और दूसरी मेथड है बेटा हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड? मतलब आपको जब दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दिए हुए हो तो उनको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें इन दोनों में से कोई भी एक मेथड का यूज करके डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालना है, जिससे बहुत इजीली और कम समय में हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो पहली मेथड देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड। सेम क्वेश्चन के साथ करते हैं, ठीक है। x प्लस वाई 5, x माइनस वाई 3, x प्लस वाई 5, एक्स माइनस वाई 3। एलिमिनेशन मेथड से हमें करना है बेटा, तो पहले तो हमेशा इक्वेशन को नेमिंग दे दो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन आ गया हमारे पास। नाम से ही पता चल रहा है एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना है सीधे सीधे। यहां से दोनों इक्वेशन से हमें एक वेरिएबल को गायब कर देना है, रस्ते से हटा देना है, ठीक है, बाजू कर देना है। तो जब हम ऐसा करेंगे कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, ठीक, यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब रस्ते से हट गया, ठीक है, काटा निकाल के बाजू में हमने कर दिए। तब क्या करेंगे बेटा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए? एडिंग और एड इक्वेशन 1 एंड 2,
इक्वेशन वन और टू को हम कर रहे हैं ऐड, ये हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू थ्री। एड करने पे हमें क्या मिल रहा है, देखो प्लस वाई माइनस वाई गया और बचा क्या हमारे पास एक्स प्लस एक्स, टू एक्स इक्वल्स टू फाइव प्लस थ्री एट, यानी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा एट बाई टू, एक्स इज इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें फोर मिल गया। तो ऐसे एलिमिनेट करके एक वेरिएबल की वैल्यू इजीली आ जाएगी। अब दूसरे की कैसे निकाले, तो जो वेरिएबल की वैल्यू आई है बेटा, क्या जिस वेरिएबल की वैल्यू आई है उस वेरिएबल को किसी एक इक्वेशन पुट कर दो, राइट, पुट एक्स इक्वल्स टू फोर इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आप चूज कर सकते हो, वन में पुट करो या टू में पुट करो, डजंट मैटर, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं लेट्स से, तो वन क्या इंप्लाई करेगा, वन है हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन है। एक्स की वैल्यू कितनी है फोर प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव, यानी वाई इज इक्वल्स टू फाइव माइनस फोर, वाई की वैल्यू कितनी आ गई वन आ गई, और हमारा सॉल्यूशन यही आया था क्या एक्स इक्वल्स टू फोर वाई इक्वल्स टू वन। तो ऐसे बिना अज्यूम किए हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल गई एक्स इक्वल्स टू फोर वाई इक्वल्स टू वन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। ओके, तो एलिमिनेशन एकदम फंडा क्लियर, यस। चलो फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन दिया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन है 2x plus y equals to 5, इक्वेशन नंबर वन, और 3x minus y equals to 5, इक्वेशन नंबर टू। अब देखो फिर से प्लस y माइनस y मिल गया, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है अब, है ना, फिर से प्लस y और माइनस y मिल गया तो ज्यादा सोचना है ही नहीं, क्या करेंगे एड कर देंगे ना। तो एलिमिनेशन मेथड में एड सब्ट्रैक्ट जो भी रिक्वायरमेंट है आप वो कर सकते। अगेन एड इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू को हम एड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा 2x plus y equals to 5 plus 3x minus y equals to 5। यहां से फिर से हमारा प्लस वाई माइनस वाई गया, फिर से प्लस वाई माइनस वाई गया, ये कितना मिला बेटा 3 प्लस टू फाइव एक्स इक्वल्स टू 5 प्लस फाइव टेन, 5 प्लस फाइव टेन। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल्स टू टेन बाय फाइव, एक्स इक्वल टू, x की वैल्यू हमें मिल गई, एक वेरिएबल हमें मिल गया। अब दूसरा कैसे निकालना है, टेल मी फास्ट। एक्जेक्टली, किसी एक इक्वेशन में पुट करके, है ना, तो पुट एक्स इक्वल्स टू टू इन इक्वेशन वन, ठीक है, वन में पुट करो टू में पुट करो सेम ही आंसर है। तो वन में अगर पुट करेंगे तो वन क्या है बेटा हमारा, वन है टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव, ओके, तो यहां से हमें क्या मिलेगा 2 इंटू टू प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव, यानी 4 प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव, तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4, सो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 1, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1। तो अब एक लास्ट में फाइनल लाइन लिख देते हैं हम, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज एक्स इक्वल्स टू टू एंड वाई इक्वल टू वन, क्या गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है बेटा एक्स इक्वल्स टू टू और y इक्वल्स टू
कट इट, इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। पहला इक्वेशन है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और दूसरा है 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 1। ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर। आता मामा आता काय करायचं, इथे तर प्लस वाय मायनस वाय दिसत नाही आहे किंवा प्लस एक्स मायनस एक्स सुद्धा नाही दिसत आहे, हो ना। तो जब भी बेटा ऐसा आ जाए तो हमेशा कोइफिशियंट चेक करो। ठीक, यहाँ पे y का कोइफिशियंट 5 है, x का कोइफिशियंट 2 है। डिसाइड कर लो कि x को एलिमिनेट करोगे या y को एलिमिनेट। अगर x को एलिमिनेट करना है तो पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे 2x माइनस 2x हट जाएगा। और y को एलिमिनेट करना है तो पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस 5y माइनस 5y हो जाएगा, ऐड करके हट जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसा वेरिएबल चूज करो जिसमें अल्टरनेट साइन हो ताकि एडिशन से इजीली आ जाए। अगर अल्टरनेट साइन नहीं है तो फिर हम कोई भी यूज कर सकते हैं, उस केस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस 5y होता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ प्लस 5y होता तो हम इस इक्वेशन को या तो 2 से मल्टीप्लाई करते या फिर 5 से मल्टीप्लाई करते और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, बट अब हमारे पास अल्टरनेट साइन है, एक में प्लस एक में माइनस, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली ऐड कर दो ऊपर वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके। y में अल्टरनेट साइन है ना, तो y को एलिमिनेट करेंगे, इजी पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, y का कोएफिशिएंट 5 है इसीलिए यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट 5 बनाएंगे। कैसे, मल्टीप्लाई या फिर प्रॉपर लिखो टू इक्वेट दी कोएफिशिएंट, इक्वेट दी कोएफिशिएंट ऑफ y मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम y के कोएफिशिएंट्स को सेम कर सके, इक्वल बना सके। ठीक है, तो यहाँ से 1 क्या इंप्लाई करेगा, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 5 4 20। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। क्या क्या किए बेटा, हमने इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए सो दैट y का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। अब देखो माइनस 5y प्लस 5y वापस आ गए हम अपने पहले वाले कंडीशन पे। तो क्या करना है, हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 3 and 2, इक्वेशन 3 और 2 को हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। 2 एंड 3 लिखो, 3 एंड 2 लिखो, सेम चीज। तो 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 1 प्लस इक्वेशन 3 क्या है, 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 20, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा प्लस 5y माइनस 5y गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 5 plus 2 7x इक्वल्स टू 21, तो x इज इक्वल्स टू 21 by 7, x इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब क्या निकालना है नेक्स्ट, अब क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो y की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, जल्दी से बता दो। करेक्ट, हम x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, सो अब हम पुट कर देंगे वैल्यू, है ना। सो पुट x इक्वल्स टू 3 इन
इक्वेशन वन, ठीक है, वन में पुट करो, टू में पुट करो, आपकी मर्जी। चलो फिर अब वन में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर वन क्या है बेटा हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू फोर। अब देखो यहाँ तीन इक्वेशन है ना, तो x इक्वल्स टू थ्री आप वन में भी पुट कर सकते हो, टू में भी पुट कर सकते हो, थ्री में भी पुट कर सकते हो, डजंट मैटर। दोनों तीनों केस में या तीनों इक्वेशन में पुट करने के बावजूद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो सेम ही मिलेगी, ठीक है। x की वैल्यू तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो, y की वैल्यू सेम ही आनी है, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। तो अब x प्लस वाई इक्वल्स टू फोर है, x की वैल्यू थ्री प्लस वाई इक्वल्स टू फोर, तो y इज इक्वल्स टू फोर माइनस थ्री, सो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, वन आ गया। एक आहे मॅम जेवढे पण एक्झाम्पल घेतात तर प्रत्येकमध्ये y ची वैल्यू वनच येत आहे, हो ना, असं प्रत्येकामध्ये येईल का? नाही बेटा, प्रत्येक क्वेश्चन वेगळे असतील ज्यामध्ये एक्स आणि वाय ची वॅल्यू सेम पण येऊ शकते, डिफरंट पण येऊ शकते, ठीक आहे। तर आता इथे काय लिहू मग आपण, देअर फोर द रिक्वायर्ड सॉल्युशन ऑफ गिवन सायमल्टेनियस इक्वेशन, गिवन सायमल्टेनियस इक्वेशन इज एक्स इक्वल्स टू थ्री एंड वाई इक्वल्स टू, एक्स इक्वल्स टू थ्री एंड वाई इक्वल्स टू वन, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलो इसी में एक और होमवर्क देती हूँ मैं आपको, हमने वाई को एलिमिनेट करके किया ना, जिसके लिए हमने इक्वेशन नंबर वन को फाइव से मल्टीप्लाई, सेम क्वेश्चन आप लोग एक्स को एलिमिनेट करके करोगे, और x को एलिमिनेट करने कैसे करोगे, इक्वेशन नंबर वन को टू से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो इक्वेशन आएगा उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, टू और थ्री को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है और चेक करना कि सेम वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। दैट इज होमवर्क फॉर यू, ट्राई इट बाय एलिमिनेटिंग x, सेम एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अगेन सो नाउ मेथड नंबर टू, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमारे पास कौन सी मेथड है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है, नाम में ही बता रहा है हमें कि पुट कर देनी है, कुछ तो पुट करना है, बट क्या पुट करना है। चलो आ जाते हैं वापस हमारे पुराने वाले एग्जाम्पल पे, सेम क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू थ्री, राइट। अब इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यह है इक्वेशन नंबर वन, यह है इक्वेशन नंबर टू, तो किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके वेरिएबल की वैल्यू निकालो दूसरे वेरिएबल के टर्म में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इक्वेशन नंबर टू की मैं बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा बेटा, इक्वेशन नंबर टू की बात करूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस थ्री, तो मैं लिख सकती हूँ क्या x इज इक्वल्स टू वाई प्लस थ्री, यस और नो, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, प्लस y माइनस y उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, यानी y प्लस थ्री या थ्री प्लस y। तो x की हमें वैल्यू मिली y के टर्म्स में, अब क्या करना है, तो पुट x इक्वल्स टू y प्लस थ्री इन इक्वेशन वन। अब इस केस में किसी रैंडम इक्वेशन में नहीं पुट करना है, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली के अलावा जो दूसरा इक्वेशन है वहां पे वैल्यू पुट करना है। तो एक्स की जगह क्या पुट करना है बेटा, वाई प्लस थ्री, किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में, कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, इक्वेशन नंबर टू से आई है, मतलब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पुट की जगह प्रॉपर लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस थ्री इन इक्वेशन वन। तो इससे क्या होगा, देखो इक्वेशन नंबर वन क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव है, राइट। अब एक्स की जगह क्या पुट करना है, वाई प्लस थ्री, पुट कर दो वाई प्लस थ्री और ये प्लस वाई एज इट इज, y प्लस वाई टू वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव, तो
2y = 5 - 3, 2y = 2, यानी यहां से y इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 1 आ गया, आई ना सेम वैल्यू। तो आप कोई भी मेथड यूज करो, वैल्यू हमेशा सेम ही आनी है। अगर वैल्यू अलग आई मतलब कुछ गड़बड़ झाली, ठीक है। चला था x ची कशी काढायची वैल्यू, तर हा जो इक्वेशन आहे इक्वेशन नंबर 3 नेम देऊन द्याला, जो हमने एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाली थी उसमें y की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो पुट y = 1 इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है बेटा हमारा, x = y + 3, यानी x = 1 + 3, तो x = 4, यही आ गया हमारा सॉल्यूशन, 4, 1, ठीक है, गॉट इट। तो क्या किया बेटा हमने, सबसे पहले एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाले, फिर ये वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट कर दिए, सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू आ गई, वो वेरिएबल की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिए जिससे हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, ठीक है। हम किती होता है ना, या वेरिएबल पासून त्या वेरिएबल मध्ये, या इक्वेशन पासून त्या इक्वेशन मध्ये, सगळं असं फिरून राहिलं हो ना, तर असं फिरू देऊ नका, ओके, असं फिरू देऊ नका। चला एक क्वेश्चन बघूया आता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहला है हमारा 3x - 5y = 16 एंड दूसरा है बेटा x - 3y = 8। ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब देखो यहाँ x सिंगल है ना, यहाँ x सिंगल है, तो यहीं से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया बेटा, x = 8 + 3y आ गया, क्या x की वैल्यू क्या आ गई, 8 + 3y। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। वैल्यू ऑफ x वी विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, इक्वेशन पुट सब्स्टिट्यूट, नाम है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूट लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूट x = 8 + 3y इन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा हमारा, देखो तो 3 × x की जगह, ठीक है, 3x है ना, तो 3x की जगह 8 + 3y - 5y = 16, ठीक है, x के प्लेस पे 8 + 3y, x के प्लेस पे 8 + 3y। अब यहां से क्या आ गया, 8 × 3 = 24 प्लस 3 × 3 = 9y -5y = 16। ना सिंप्लीफाई इट फर्दर, तो ये क्या हो जाएगा, 24 + 9 - 5 = 4y = 16, ठीक है। अब ये प्लस 24 है, इधर चला जाएगा तो -24, 4y = 16 - 24 हो गया बेटा, 24 - 16 कितना आ जाएगा फिर, -8, 24 - 16 और बिगर नंबर का साइन, तो -8, y की वैल्यू कितनी मिली हमें, -8/4, दैट इज y = -2, ठीक है, y की वैल्यू -2 मिल गई। अब क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद जो हमने सब्स्टिट्यूट वाली वैल्यू निकाले थे उसमें पुट कर दे, तो फाइनली हियर वी विल राइट पुट y = -2 इन इक्वेशन 3, तो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो यहां से हमारा 3 क्या बनेगा, 3 क्या है बेटा, x = 8 + 3y है, x = 8 + 3y,
तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 8 + 3 - -2। तो एक्स इज इक्वल्स टू 8 + -6। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। 8 - 6 आंसर इज 2। खत्म। तो एक्स इक्वल्स टू 2 और वाई इक्वल्स टू -2 द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फाइनली यामध्ये वायची व्हॅल्यू 1 नाही आली, ठीक आहे, यामध्ये आपली चेंज झाली। तर इथे लिहूया मग, देअर फॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज एक्स इक्वल्स टू 2 अँड वाय इक्वल्स टू -2। ही जी व्हॅल्यू असणार ही दोन्ही इक्वेशनला सॅटिस्फाय करणार, गिवन आपल्याकडे जे दोन्ही सायमल्टेनियस त्यांना सॅटिस्फाय करणार। बरं, चला आता पुढे बघूया। अजून एक क्वेश्चन आहे आपल्याकडे, क्वेश्चन आहे 2y - x = 0। इथे बघा सिंगल एक्स आहे, तर यालाच यूज करून घेऊ, एक्स इक्वल्स टू 2y। क्या हा झाला इक्वेशन नंबर 1 आणि तो आपला इक्वेशन नंबर 2, 10x + 15y = 105 आणि हा झाला 2y - x = 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तर एक्स इज इक्वल्स टू 2y हा झाला इक्वेशन नंबर 3। ठीक आहे, इथे एक्स ची व्हॅल्यू आली बेटा आपली 2y, ही व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करून घेऊ। ठीक आहे, ये जो देखो, ये जो इक्वेशन, इसको और छोटा कर सकते हो आप, पूरे इक्वेशन को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो और छोटा हो जाएगा, करना चाहो तो करो, अदरवाइज एज इट इज रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल्स टू 2y इन, इन कुठे, यस, इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1। तर इक्वेशन 1 काय आहे बेटा आपलं, 10x + 15y = 105। तर x च्या ठिकाणी 2y + 15y = 105, म्हणजेच 20y + 15y = 105। झालं का, कन्वर्ट झालं y मध्ये कंप्लीट झालं। आता इथनं y ची व्हॅल्यू खूप इझिली आपण काढू शकतो ना, तर 20 + 15 किती झालं बेटा, 35y = 105। याने y इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 105/35। तो 35 कितने जा होगा, 5 जा 25, कैरी आ गया 2, और 5 3 जा 15, नहीं होता, फ्रैक्शन में आ जाए, है ना, 5 से डिवाइड करते हैं, छोटा छोटा करते हैं, 5 7 जा 5 21 जा। ओके, फाइनली व्हाट वी गॉट हियर इज 21/7, यानी 3 की वैल्यू आ रही थी, तो डायरेक्टली 3 लिख लो। y = 3, ये मिल गया। अब क्या करना है, किसमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, करेक्ट। तो पुट y = 3 इन इक्वेशन 3। तो यहां से 3 क्या है बेटा, हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x = 2y, यानी x = 2 × 3, तो x = 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। आता मॅम आपण प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये एक्सचीच व्हॅल्यू वाय मध्ये पुट केली, तर नेहमी एक्सचीच व्हॅल्यू पुट करायची का, तर नाही बेटा। जर इथे आपल्याकडे फॉर एक्झाम्पल 2x - y असतं, जर आपल्याकडे इथे 2x - y दिलेलं असतं, तर आपण वाय ची व्हॅल्यू काढली असती इन टर्म्स ऑफ एक्स। हमने क्या किए रहते, वाय की व्हॅल्यू निकाले रहते इन टर्म्स ऑफ एक्स, और पहले इक्वेशन में y की जगह सब्स्टिट्यूट बेटा। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, आपको जो मन करे, जो पसंद आए, जो अच्छा लगे, वो वेरिएबल आप चूज करो और उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दो।
अब अगर आपके पास ऐसा सिंगल फॉर्मेट ना हो, है ना, सिर्फ एक्स ना हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ दिया है, लेट्स से 2x + 3y = 7, ठीक है, ऐसा दिया है और अब आपको x की या y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसा करोगे बेटा? फॉर एग्जाम्पल हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 2x = 7 - 3y एंड x = 7 - 3y/2, और फिर ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। तो अगर आपको डायरेक्टली सिंगल वेरिएबल मिल रहा है तो वो बहुत इजी हो गया, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो इस तरीके से कन्वर्जन के आप यूज कर। नेक्स्ट इज अगेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को यूज कैसे करें? यूज करने के लिए हमारे पास होते हैं बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं हमारे प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एज, नंबर, फ्रैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। अब एज बोले तो रेखा'स एज इज 5 times more than रिया'स एज, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, दो लोगों की एजेस को आपस में कंपेयर किया गया है, तो वो हो गया एज रिलेटेड प्रॉब्लम। रिगार्डिंग नंबर्स, इफ वी ऐड 2 numbers देन द रिजल्ट इज 5, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 numbers देन द रिजल्ट इज 7, ये हो गया नंबर रिलेटेड। फ्रैक्शन में दिया है कि न्यूमरेटर इज 7 more than डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन रिलेटेड हो गया। मनी ट्रांजैक्शन, Someone's monthly salary is X and it getting increased per month by 5 दिया है, ठीक है, तो हो गया हमारा मनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड। आफ्टर दैट ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, इसमें हमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनकी प्रॉपर्टीज दी हुई होगी, लाइक लेंथ इज 2 more than ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 5 times एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कुछ दिया है। और फिर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाले, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन 5 दिन में कोई काम कर रहा है और दूसरा 3 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे टाइप के प्रॉब्लम्स, ये सभी प्रॉब्लम्स हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की हेल्प से बहुत आसानी से, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो फिर किस तरीके से सॉल्व करें, व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है, रीड द गिवन वर्ड प्रॉब्लम केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। पहली स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीड इट केयरफुली, एग्जैक्टली जो भी हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया है वो वर्ड टू वर्ड अच्छे से रीड करना है, ताकि गड़बड़ ना हो। पहले पढ़ो और समझो, डायरेक्टली कंडीशन नहीं बनाओ, पहले पढ़ो और समझो कि क्या दिया है और क्या पूछा गया है, ठीक है। देन फ्रॉम द इंफॉर्म फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन यूज प्रॉपर वेरिएबल्स फॉर गिवन क्वांटिटीज। जो भी हमें गिवन है, जो भी हमें रिलेशन दिया है, उसके लिए वेरिएबल अज्यूम करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोला गया है कि रेखा की एज रिया से 5 years ज्यादा है, तो लेट्स से हम रेखा को एक्स मान लेंगे और रिया को वाई मान लेंगे, तो x = y + 5, ऐसे इस तरीके से हमें वेरिएबल अज्यूम करके फिर रिलेशन का इक्वेशन बनाना है ना। फॉर्म द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फ्रॉम अबव वेरिएबल्स, जो हमने वेरिएबल्स अज्यूम किए हैं, उन वेरिएबल्स की हेल्प से हमें मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म करना, ठीक है। यूज सुटेबल मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन, फिर एक बार इक्वेशन बन गए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, फिर तो हम प्रो है एकदम। हम दोनों में से कोई भी मेथड, हम एलिमिनेशन यूज करें चाहे
सब्स्टिट्यूशन यूज करें, दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। आफ्टर दैट फाइंड द सॉल्यूशन। ओके, सॉल्व करने के बाद क्या मिल गया हमें, सॉल्यूशन मिल गया। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन बोथ द इक्वेशन एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। ठीक है, अब हमें चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि जो हमारा सॉल्यूशन आया वो करेक्ट है भी या नहीं। और अगर हमें चेक करना है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे बेटा, जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे। अगर इक्वेशन में पुट करके वो सेटिस्फाई हो गया तब हमारा आंसर सही है, देन राइट द आंसर। लास्ट में आंसर लिखना तो जरूरी है, पे मार्क्स आते हैं वो तो कट जाएगा अगर नहीं लिखेंगे तो, है ना, तो मार्क्स लिखना इज इम्पॉर्टेंट। गॉट इट? आम सगळं असं वरून गेलं काहीच नाही समज, अरे काही हरकत नाही। हेच आपण स्टेप्स प्रॉपर सॉल्यूशन मध्ये बघूया बेटा। चलो तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और वहां से स्टेप बाय स्टेप उसको समझते हैं। क्या पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। सो इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट। एक एनवेलप है जिसमें 5 रुपए की नोट है, कुछ नोट्स है, एक नहीं है, 5 रुपए की, लाइक 2, 4, 6 ऐसी कुछ नोट्स दी हुई है। एंड सम 10 रुपीज नोट, और कुछ 10 रुपए की नोट दी हुई है और वो एक एनवेलप में रखी गई है। कुछ 5 रुपए की नोट है, कुछ 10 रुपए की नोट। टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज। और जब मैंने वो एनवेलप की नोट्स निकाल के पैसे गिनना शुरू किए, हाँ पैसा पैसा पैसा, तो पैसे गिनने के बाद मुझे पता चला कि उस एनवेलप में टोटल 350 रुपए है। ठीक है, 350 रुपए उस एनवेलप के अंदर है। नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट आर लेस बाय 10 देन नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। 5 रुपए की जितनी नोट है और 10 रुपए की जितनी नोट है, तो 5 रुपए की नोट 10 रुपए की नोट से 10 कम है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 रुपए की नोट हमारे पास 30 है, हाँ, अगर 10 रुपए की नोट हमारे पास 30 है तो 5 रुपए की नोट कितनी रहेगी बेटा, 20 रहेगी, 20 रहेगी, है ना, 10 रुपए से 10 नोट कम। Then find the number of 5 rupee and 10 rupee note. तो अब हमें चेक करना है कि हमारे पास 10 रुपए की कितनी नोट है और 5 रुपए की कितनी नोट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 5 रुपए के 2 नोट है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 रुपीज की 2 नोट्स, टोटल अमाउंट 10। करेक्ट, कैसे आता है, मल्टीप्लाई करने। तो लेट्स से 5 रुपए की अगर एक्स नोट है, 5 रुपए की अगर एक्स नोट है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, 5x होगा। करेक्ट, 10 रुपए की अगर वाई नोट है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 10y हो गया। इज दैट क्लियर? यस, तो यही हम अज्यूम भी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप वॉज टू रीड द इक्वेशन केयरफुली। बहुत ही ध्यान पूर्वक हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया है और पढ़ भी लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 2। क्या करना था, एग्जैक्टली वी हैव टू अज्यूम द वेरिएबल्स, राइट। तो वेरिएबल अज्यूम करते हैं, क्या करेंगे, लेट, है ना, लेट द नंबर, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट, 5 रुपीज नोट बी एक्स एंड द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट बी। हो गया अजम्पशन, सेकेंड स्टेप डन। पहले हमने क्या किए, 5 रुपीज, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट जो है उस एनवेलप में, पैसा गिनना पड़ेगा ना, तो पैसा गिनने के लिए हमारे पास 5 रुपए की कितनी नोट है, एक्स नोट्स, और 10 रुपए की कितनी नोट्स है बेटा, वाई नोट्स। करेक्ट, अब एक कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन है पढ़ो तो,
टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट टुगेदर इज 350 रुपीज। ठीक है, टोटल अमाउंट मतलब 5 रुपए की नोट जितनी है प्लस 10 रुपए की नोट जितनी है, इनको अगर हम मिला दे तो हमारे पास 350 रुपए है। करेक्ट, देयरफॉर बाय फर्स्ट कंडीशन क्या मिलेगा बेटा हमें, 5x + 10y = 350। ठीक है, 5x + 10y = 350। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन हमें मिल गया। अब आते हैं हम इक्वेशन नंबर टू पे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर टू के लिए क्या कंडीशन है बेटा हमारे पास, देखो तो व्हाट इट सेज, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट। ठीक है, तो बाय सेकेंड कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट। ओके, अच्छा नॉट अमाउंट, इट्स आस्किंग फॉर ओनली नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट कितनी है हमारे पास, x है ओनली। ठीक है, x इज द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट आर लेस देन 10 बाय द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 रुपए की 10 नोट है, और ज्यादा ले लेते 5 रुपए की 50 नोट है, तो 10 रुपए की 60 नोट होगी, 10 ज्यादा, यही रिलेशन दिया है। करेक्ट, अब इन दोनों को इक्वेट करना है तो क्या करेंगे हम, 50 + 10 = 50 होगा इधर। करेक्ट, यानी अगर 5 रुपए की नोट 10 से कम है, मतलब यहाँ पे 10 इधर ऐड करना पड़ेगा, इक्वल्स टू हमारी हो जाएगी 10 रुपए की नोट। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से प्रॉपर लिख लेते हैं। ये क्या हो गया बेटा, x - y = 10। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर टू। अब दोनों इक्वेशन मिल गए ना, मिल गए क्या, यस, और दोनों ही क्या है हमारे, लीनियर इक्वेशन है। सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, एक है एलिमिनेशन मेथड और दूसरी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो भी मन करे वो यूज करो। चलो एलिमिनेशन करने के लिए तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट, एलिमिनेशन करने के लिए इक्वेशन नंबर टू को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय 5। ओके, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 5 से भी कर सकते हो, 5 से कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी तक हमने एडिशन वाले एग्जांपल देखे ना, तो अब थोड़ा सब्ट्रैक्शन वाले कर रहे हैं, दैट्स इट। आप अगर 10 से करोगे तो डायरेक्टली ऐड करना पड़ेगा। सो बोथ यू कैन डू, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको पसंद आए वो आप करो। ठीक है, सो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, इक्वेशन नंबर टू क्या बन जाएगा हमारा, 5x - 5y = 50। इक्वेशन नंबर थ्री, अब 1 और 3 को हम क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थ्री फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा देखो, 5x + 10y = 350 - 5x - 5y = 50। दोनों को करना है आपस में सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम हमने पढ़े हैं ना, हमने पॉलिनोमियल में पढ़े हैं कि सब्ट्रैक्ट करते टाइम साइन क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है ना, के वाले की साइन चेंज हो जाती है। तो ये +5x - 5x गया, बचा क्या हमारे पास, 10 + 5 = 15y = 350 - 50 = 300। तो y = कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, हमें क्या करनी है, x ची वैल्यू फाइंड करायची आहे, कारण y ची भेटलेली आहे, हो ना। आता y ची वैल्यू भेटली, x ची काढायची आहे, तर कशी काढायची,
कोणत्याही एका इक्वेशन मध्ये पुट करते है ना, किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। लेट्स से ये टू साधा सिंपल सा इक्वेशन दिख रहा है ना, तो इसी में हम डाल देते हैं, ठीक है। सो पुट y इक्वल्स टू टू इन इक्वेशन टू, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर टू क्या है बेटा हमारा, x माइनस y इक्वल्स टू 10 है, करेक्ट। इक्वेशन नंबर टू क्या है, x माइनस y इक्वल्स टू 10 है। तो x माइनस y की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 10, सो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10 प्लस 2, दैट इज x इज इक्वल्स टू 12। y की भी वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू आ गई। सो अब जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स करो, हमेशा लास्ट स्टेटमेंट, हमारी लास्ट स्टेप क्या थी, राइट द आंसर, है ना। सो प्रॉपरली लिखना है, x इज 5 रुपीज नोट, सो देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपी नोट इज 12। 5 रुपए की कितनी नोट है, 12 नोट है। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, 10 रुपीज नोट इज कितनी है बेटा हमारे पास, 2 है। 10 रुपए की 2 नोट है, ओके। तो देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्या क्रॉस चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 12 करेंगे तो 60, y की वैल्यू हम कितनी है, ठीक है, x की वैल्यू 12 एंड y की वैल्यू 2, ओके। तो यहाँ पे पुट कर दो और चेक कर लो आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, गॉट इट, ओके। कुछ गड़बड़ है क्या, क्योंकि कंडीशन 20, ओह यस, देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक बेटा, इट शुड बी 20, आई की वैल्यू 20 है, 2 नहीं है, ओके, y की वैल्यू 20 है, y इज इक्वल्स टू 20। देखो इस तरीके से अब हमने जब क्रॉस चेक किए यहाँ पे पुट करके, हमें आंसर मैच होता हुआ नहीं दिख रहा था, तो हमें हमारी गलती पकड़ में आ गई। तो हमेशा क्रॉस चेक करके चेक करो कि कुछ मिस्टेक हुई है क्या, कि आपके आंसर से कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है बेटा। सो y इज इक्वल्स टू हमारा 20 आ रहा है, अब x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 20 यहाँ पुट करेंगे तो प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 20 होगा, जिसके वजह से x की वैल्यू आ गई 30, इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा 30। फाइनली नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट इज 30 एंड नंबर ऑफ 10 रुपी नोट इज 20, क्या 30 एंड 20। अब देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, x की वैल्यू कितनी आई 30, सो 30 इंटू 5 150, और y की वैल्यू 20, तो 20 इंटू 10 200, 200 प्लस 150 इज 350, मतलब अब हमारा आंसर सही है, करेक्ट है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कंपेयर किया गया है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, सो लेट एक्स बी द न्यूमरेटर, एक्स बी दी न्यूमरेटर एंड वाई बी दी डिनोमिनेटर, ठीक है, एक्स को न्यूमरेटर ले लिए, वाई को डिनोमिनेटर ले लिए। अब पहली कंडीशन क्या दी हुई है बेटा, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, देखो द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर मतलब वाई इज 1 लेस देन, एक से कम है, ठीक है, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर के न्यूमरेटर का अगर हम डबल करते हैं तो एक से कम है, मतलब यहाँ प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। अगर मैं डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दूं तो वो न्यूमरेटर के डबल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देन द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5, ये भी हमें गिवन है, ठीक है।
तो बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा हमारे पास, देखो द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो कितना दिया है 3:5, यानी 3/5 दिया हुआ है. ओके ओके, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन आएगा, क्या आएगा बेटा 5x = 3y, 5x = 3y, यानी 5x - 3y = 0, ऐसा आप ले सकते हो. यस, ऐसा आप ले सकते हो. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. पहले को एलिमिनेशन से किए, इसका सब्स्टिट्यूशन से कर ले. चलो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं. तो इक्वेशन नंबर क्या 1 क्या है बेटा हमारा, y + 1 = 2x है. तो यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी ना 2x - 1. y की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 2x - तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. ये इक्वेशन 3 से वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 2 में पुट करनी है. तो अब हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा, 5x - 3, y की जगह क्या आ जाएगा बेटा, y की जगह आएगा 2x - 1 = 0. सो 5x - 6x + 3 = 0, यानी -x + 3 = 0. सो x = क्या आ गया हमारा, 3 आ गया. ठीक है, x की वैल्यू हमें मिल गई. अब y की वैल्यू निकालना है, तो सब्स्टिट्यूशन में y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 था उसमें पुट करके, है ना. तो पुट x = 3 इन इक्वेशन 3. ठीक है, x = 3 कहाँ पुट करेंगे, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, करेक्ट है. x = 3 पुट कहाँ करेंगे बेटा हम, इक्वेशन नंबर 3 में. तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा, y = 2x - 1. तो y = 2 × 3 - 1, y = 3 × 2 = 6, 6 - 1 = 5. x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई. तो x क्या था न्यूमरेटर, y क्या था डिनोमिनेटर. देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, हमें क्या निकालना है बेटा, फ्रैक्शन. तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x बाय y होना चाहिए ना रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, क्योंकि x न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर था. तो x बाय y मतलब 3/5. ओके, अरे ये तो गिवन के बराबर ही आ गया, है ना, गिवन के बराबर ही आ गया. रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमें निकालना था, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा गिवन के बराबर ही आ गया. तो पहली कंडीशन एज इट इज. अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही थी क्या, ये वाली, y की वैल्यू कितनी है 5, 5 + 1 पुट करेंगे कितना आएगा 6, और x की वैल्यू 3, तो 3 × 2 = 6. पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन y की जगह 5, ओके, और x की जगह 3, तो 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15, 15 - 15 = 0, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना. अब देखो, जरूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम रेशो जो दिया हुआ था वही रेशो आया, तो ऐसा सभी क्वेश्चन में होगा क्या, नो बेटा, सर सभी में होगा जरूरी नहीं है. इसी का आंसर अगर आपको 3/5 दिया हुआ है, ये सो इसका आंसर ये भी हो सकता है 15/25, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसका भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 3 = 5, 5 = 3/5 ही आएगा. तो इन दैट केस
फ्रैक्शन डिफरेंट हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रेशो दिया है वही आ जाए, ये तो कोइंसिडेंटली आ गया हम के रसा कंपल्शन नहीं है कि वासा गरजेचं नहीं है कि जी दिलेली असते रेशो तीच वैल्यू येणार बेटा. ओके चला आता पुढे बघूया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका. ठीक है, प्रियंका आणि दीपिका दोन अशा पक्क्या मैत्रिणी आहेत, बेस्ट फ्रेंड्स आहेत, आणि त्यांच्या एजेसचा त्यांच्या वयाचा जो सम आहे तो आपल्याला दिलेला आहे 34 इयर्स. म्हणजेच जर मी प्रियंकाची एक्स एज एक्स घेतली आणि दीपिकाची एज वाय घेतली तर एक्स प्लस वाय 34 दिलेलं आहे. चला घेऊया मग. लेट दी एज फाइंड देअर टुडेज एज प्रेझेंट एज. ओके, लेट दी टुडेज एज ऑफ प्रियंका इज एज ऑफ प्रियंका बी एक्स इयर्स. ठीक आहे, काय घेतली बेटा आपण, प्रियंकाची आजची एज जी आहे ती एक्स इयर्स घेतली. त्यानंतर अँड दीपिकाज एज बी वाय इयर्स. ठीक आहे, आपण काय घेतली बेटा, प्रियंकाची प्रेझेंट एज एक्स इयर्स घेतली आणि दीपिकाची प्रेझेंट एज वाय इयर्स घेतली. आता एक्स आणि वायच्या ठिकाणी तुम्ही ए किंवा बी, एम किंवा एन, व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट, काही पण व्हेरिएबल घेऊ शकता. ठीक आहे, नंतर आपल्याला पहिली कंडिशन काय दिलेली आहे, बाय फर्स्ट कंडिशन. पहिली कंडिशन काय आहे बेटा, एक्स प्लस वाय इज 34, दोघांच्या एजेसचा सम हा 34 इयर्स आहे. नंतर सेकंड कंडिशन काय आहे, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 इयर्स. प्रियंका जी आहे ती दीपिकापेक्षा 6 वर्षांनी मोठी आहे. प्रियंका दीपिकापेक्षा 6 वर्षांनी मोठी आहे. तो बाय सेकंड कंडिशन जर आपल्याला दोघांची एज इक्वल करायची आहे तर आपल्याला दीपिकाच्या वयामध्ये 6 वर्ष ऍड करावे लागतील ना, कारण प्रियंका 6 वर्षांनी मोठी आहे. म्हणजेच दीपिकाच्या एजमध्ये 6 वर्ष जर ऍड केले तर दोघांची एज बरोबर होईल. करेक्ट, म्हणजेच आपण इथे काय लिहू शकतो, प्रियंकाची एज इज इक्वल टू दीपिकाची एज प्लस 6 हो ना. प्रियंकाची एज इज इक्वल्स टू दीपिकाची एज प्लस 6 इयर्स. म्हणजेच इथे काय येईल बेटा, एक्स मायनस वाय इक्वल्स टू 6. हा झाला आपला इक्वेशन नंबर 1 आणि हा झाला आपला इक्वेशन नंबर 2. आणि दोन्ही खूप सोपी सोपी से इक्वेशन आहे. डायरेक्टली यांना काय करूया आपण, ऍड करूया. या दोन्ही इक्वेशन्सला काय करायचं बेटा, ऍड करायचं. तर ऍडिंग इक्वेशन 1 and 2 काय भेटणार आपल्याला, पहिला इक्वेशन आहे एक्स प्लस वाय इक्वल्स टू 34 प्लस दुसरा इक्वेशन एक्स मायनस वाय इक्वल्स टू 6. करा बरं ऍड, काय कॅन्सल होतोय, आम वाय एलिमिनेट होत आहे इथे, हो ना. तर वाय झालंय बेटा एलिमिनेट आणि आपल्याला काय भेटलं इथे मग, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 34 प्लस 6 40. म्हणजेच एक्सची व्हॅल्यू किती आली बेटा आपली, 20. एक्सची व्हॅल्यू किती आली, 20. आता वायची व्हॅल्यू काढायची कशी, कोणत्याही एका इक्वेशन मध्ये पुट करून. चला मग पुट करूया. तर पुट एक्स इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन कोणत्यामध्ये करायची आहे, कोणत्यामध्ये करायची आहे, चला दुसऱ्यामध्ये करू. काय मॅम नेहमी पहिल्या इक्वेशनमध्ये पुट करता, दुसऱ्यामध्ये पुट करा. चला मग दुसऱ्यामध्ये पुट करून बघूया. तर आता दुसरं इक्वेशन काय आहे बेटा, दुसरा इक्वेशन आपला दुसरा आहे एक्स मायनस वाय इक्वल्स टू 6. हा दुसरा इक्वेशन दिलेला आहे ना, एक्सची व्हॅल्यू किती आली, 20. तर 20 मायनस वाय इज इक्वल्स टू 6. म्हणजेच वाय किती झालंय बेटा, 20 मायनस 6.
वाई ची किती वैल्यू आली मग 14। आता हा एक्स आणि वाई होते काय पण एक्स आणि वाई होते आपले दीपिका आणि प्रियंकाची एजेस ते पण लिहावं लागेल शेवटी नाहीतर मार्क्स कटतील डिडक्ट होतील ठीक आहे म्हणजे लिहा आता देअरफोर टुडेज एज इज एज ऑफ प्रियंका टुडेज एज ऑफ प्रियंका काय घेतली होते बेटा आपण प्रियंकाची एज एक्स इयर्स हो ना म्हणजे इज 20 इयर्स अँड एज ऑफ दीपिका काय झाली बेटा अँड एज ऑफ दीपिका इज दीपिकाला वाय घेतलं होतं ना आपण तर दीपिकाची किती आली आपली 14 इयर्स दीपिकाची एज किती आली आपली 14 इयर्स तर असं प्रत्येक वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये शेवटी सेंटेन्स लिहायचं महत्त्वाचं असतं बेटा सेंटेन्स लिहिणं ठीक आहे चला आता पुढे वळूया नेक्स्ट क्वेश्चन कडे ओके सो दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन चला बघूया मनी रिलेटेड पैसा पैसा आहे ठीक आहे पैसों से मनी रिलेटेड प्रॉब्लेम आहे बेटा ये क्या संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम संजय को हर महीने एक फिक्स इनकम मिलती है एवरी ईयर देयर इज अ सर्टन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी हर साल ठीक है महीने की फिक्स इनकम है लेकिन हर साल उसको एक फिक्स अमाउंट मिलता है एज एन इंक्रीमेंट साल भरे का ओके आफ्टर फोर इयर्स हिज मंथली सैलरी वॉज रुपीज 4,500 चार साल के बाद उसकी मंथली सैलरी हो गई 4,500 फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन की मंथली सैलरी एक्स है ठीक है एक पर्सन की मंथली सैलरी एक्स है और उसको उसी साल वाई इंक्रीमेंट मिला है वाई क्या मिला है इंक्रीमेंट मिला है तो उसकी टोटल सैलरी क्या होगी बेटा एक्स प्लस वाई होगी अगर दो साल का इंक्रीमेंट पकड़ना है तो एक साल का इंक्रीमेंट वाई है तो दो साल का कितना हो गया टू वाई तीन साल का इंक्रीमेंट कितना हो गया थ्री वाई चार साल का इंक्रीमेंट कितना हो गया फोर वाई ओके तो वही बोला गया है कि आफ्टर फोर इयर्स ना आफ्टर फोर इयर्स चार साल बाद की बात चल रही है मतलब इंक्रीमेंट एग्जैक्टली कितना होगा वो 4 × y जो भी हम इंक्रीमेंट कंसीडर करेंगे वो ठीक है उसकी सैलरी हो गई 4,500 और ऐसे ही 10 साल के बाद उसकी सैलरी हो गई बेटा 5,400 और हमें उसकी ओरिजिनल सैलरी निकालनी है और उसका हर साल कितना इंक्रीमेंट होता है ठीक है कि जो मंथली फिक्स सैलरी है हमें वो निकालनी है एक्स की वैल्यू और ईयरली कितना इंक्रीमेंट होता है वो निकालना है वाई की वैल्यू ठीक है तो करते हैं स्टार्ट लेट लेट एक्स बी दी फिक्स्ड सैलरी एंड वाई बी दी ईयरली इंक्रीमेंट ठीक है एक्स क्या है बेटा फिक्स्ड सैलरी है और वाई क्या है फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट है तो बाय फर्स्ट कंडीशन उसकी जो टोटल सैलरी हुई है ना आफ्टर फोर इयर्स इज मंथली सैलरी इज 4,500 तो आफ्टर फोर इयर्स मतलब इसकी मंथली सैलरी प्लस चार साल का इंक्रीमेंट मिला के उसकी मंथली सैलरी बनी है 4,500 क्या ये हो गया बेटा हमारा इक्वेशन नंबर के ऐसे ही बाय सेकेंड कंडीशन क्या मिलेगा बेटा हमें आफ्टर 10 इयर्स बोला गया है मतलब मंथली सैलरी प्लस 10 साल का इंक्रीमेंट क्या मंथली सैलरी प्लस 10 साल का इंक्रीमेंट मिला के उसकी कितनी हो गई 5,400 रुपीज ठीक है अब हमें ओरिजिनल सैलरी और ईयरली इंक्रीमेंट निकालना है तो इक्वेशन तो बन गए मैम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दे चलो फिर करते हैं तो
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू, ठीक है, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन नंबर टू क्या है, x प्लस टेन वाई इक्वल्स टू 5400 माइनस इक्वेशन नंबर वन क्या है बेटा, x प्लस फोर वाई इक्वल्स टू 4500, कर दो सब्ट्रैक्ट। क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो साइन चेंज करना है, माइनस माइनस माइनस, प्लस x माइनस x गया, बचा क्या बेटा हमारे पास 10 माइनस फोर 6y इक्वल्स टू, देखो ये क्या आ गया, 0 0। उसके बाद 14 माइनस 5, 14 में से अगर हम 5 माइनस कर दे तो कितना बचेगा, 9, क्या 9, एंड 5 माइनस 5 इज 0, 6y इज इक्वल्स टू 900 मिला, यानी y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 6 होगा क्या डिवाइड, पहले तो वो चेक कर लेते हैं कि फ्रैक्शन में आएगा, 6 1 6 और बचा 3, फिर 6 5 यानी 150, यस 150, देखो 6 0 0 6 5 30 0, फिर 6 1 6 प्लस 3 9 150 रुपीज, ओके। सो वाई की वैल्यू आ गई बेटा 150, यानी ईयरली इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो 150 रुपीज हो रहा है। अब ऐसे ही हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पुट y इक्वल्स टू 150 इन इक्वेशन वन, ठीक है, वन में पुट करो टू में पुट करो डजंट मैटर। तो अब इक्वेशन नंबर वन क्या है, इक्वेशन नंबर वन क्या है बेटा, x प्लस 4y इक्वल्स टू 4500, ठीक है 4500। अब करो इसको सिंप्लीफाई, x प्लस y की जगह 150 इज इक्वल्स टू 4500, सो x प्लस कितना आ जाएगा, 4 0 0 4 5 20 का 0, 4 1 4 4 plus 2 6 इक्वल्स टू 4500, सो x इज इक्वल्स टू 4500 माइनस 600 कितना आ गया बेटा, x इज इक्वल्स टू 3900 आ गया, 3900 इज इट्स मंथली सैलरी। अब लास्ट में स्टेटमेंट भी तो लिखना है, वो भी तो जरूरी है, ओके। सो फाइनली लास्ट में लिख लो, देयरफॉर द फिक्स्ड मंथली सैलरी, फिक्स्ड मंथली सैलरी इज रुपीज 3900 एंड ईयरली इंक्रीमेंट इज 150 रुपीज, ठीक है, उसका ईयरली इंक्रीमेंट कितना है बेटा, 150 रुपीज का ईयरली इंक्रीमेंट है, ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो समझो फिर वेरिएबल डिसाइड करो, ठीक है, आफ्टर दैट एज पर गिवन कंडीशन वेरिएबल्स की हेल्प से इक्वेशंस बनाओ, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई या जो भी वेरिएबल आपने चूज किए उनकी वैल्यू निकालो, और वैल्यू आने के बाद फाइनल आंसर लिखो एंड एक बार क्रॉस चेक भी करो, ठीक है, एक बार वैल्यू पुट करके क्रॉस चेक भी करो कि आपके इक्वेशन दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो क्रॉस चेक करना जरूरी है ताकि गलती समझ में आए, ओके। तो या लेट्स रिवाइज, क्या क्या पढ़े बेटा हमने इस चैप्टर में, हमने इस चैप्टर में पढ़े कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल फॉर्म क्या है, उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होते हैं और साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स है हमारे पास, एक है एलिमिनेशन, दूसरी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों ही काफी ज्यादा इजी पीजी है, यस।
तो दोनों मेथड यूज करने के बाद हमने पढ़े बेटा वर्ड प्रॉब्लम, है ना। लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से आते हैं, कैसे इक्वेशन फॉर्म करनी है, कैसे सॉल्व करना है और हमें फाइनल आंसर निकालना है। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़े। होमवर्क क्या है अब? तो होमवर्क ये है कि सारी की सारी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है। ओके, ने भी इस चैप्टर में प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, वो कंप्लीट करो और प्रॉब्लम सेट भी करो कि आपके जो एग्जाम है, एग्जाम में लाइक 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ये प्रॉब्लम सेट में से समटाइम्स नहीं, काफी टाइम्स पूछे जाते हैं। और जो MCQs रहते हैं, ठीक है, जो MCQs रहते हैं वो तो मेजरली प्रॉब्लम सेट में से ही होते हैं। तो प्रॉब्लम सेट करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस सेट के ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं, ऑलरेडी वी हैव कंप्लीट। ठीक है, आप चाहे तो एक सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू भी गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अभी से सॉल्व एग्जाम्पल करने की आदत डालोगे तो 10th में थोड़ी आसानी होगी कि 10th में प्रैक्टिस सेट के बराबरी में सॉल्व एग्जाम्पल का भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है जितना प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो अभी से धीरे धीरे करके आदत डालो कि आप सॉल्व एग्जाम्पल्स को भी एक बार गो थ्रू करो, सॉल्व करो। ओके, तो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। हमने एक और अमेजिंग सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वन शॉट में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।